ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी जैम में पूछा गया था 2008 में, जिसका सब्जेक्ट कोड एमए था यानी कि मैथमेटिक्स था। तो एफ और जी दो फंक्शन है, अगर हम यहाँ पर देखें एफ एक्स डिफाइन किया गया है तो ये जी को कंटिन्यूस होना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का जो इंटीग्रांड फंक्शन होता है उसको कंटिन्यूस होना कंपलसरी है, ऐसे एफ को भी कंटिन्यूस होना जरूरी था। तो यहाँ पर ये गिवन में दे दिया, अगर वो नहीं भी देता तो ये आप चीजें मानकर चलेंगे। अगर वो लिखता है लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इक्वल टू दिस तो प्रूव दैट दिस। अब जैम का जो पैटर्न है 2008 का और जो करंट पैटर्न है उसमें चेंज है कि अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट नहीं है, तो इसका इस क्वेश्चन को फिर मैं क्यों अपलोड कर रहा हूँ या इसके लिए मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन उसको डिफॉर्म करके पूछा जाएगा। अब यहाँ तक वो ऐसे ही बोलेगा लेकिन अब ये नहीं लिखेगा कि प्रूव दैट, प्रूव दैट से तो श्योरिटी है कि ये रिलेशन होल्ड करेगा, प्रूव दैट से ये श्योरिटी हो जाती है ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो वो कैसे लिखेगा, लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस जी एक्स इक्वल टू दिस देन दिस इक्वल टू, यहाँ पर डॉट डॉट दे देगा तो आपका ये एन ए टी टाइप का बन जाएगा, एन ए टी यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप का, ये उसमें दे सकता है या फिर इसके ऑप्शंस दे देगा कि एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस जी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स इक्वल टू वन फॉर सम एक्स इक्वल टू आर, या नॉट इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स इक्वल टू आर, या नन ऑफ दीज, इस तरह से दे सकते हैं। तो जब वो लिखेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर और सम एक्स बिलोंग्स टू आर तो इसमें दोनों ट्रू हो जाएंगे। तो यानी कि अगर वो ऑप्शंस को इस तरह से देते हैं तो ये एमएसक्यू में भी बन सकता है और एमसीक्यू में भी, तो इसको वो डिफॉर्म करके पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ उसको सॉल्व करने की। तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये रिलेशन निकालने के लिए या प्रूव करने के लिए मुझे एफ एक्स चाहिए जो कि इस फॉर्म में दे रखा है। तो इस फॉर्म को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करा देता हूँ बोथ साइड एक्स के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही जी एक्स को डिफरेंशिएट करा दूंगा। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट स्क्वायर करूंगा जो कि इस इक्वेशन के लिए जरूरी है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे जी एक्स मिल जाएगा और ऐसे मुझे एफ एक्स मिल जाएगा जो इसके लिए मुझे जरूरी है। तो मैं डिफरेंशिएट करा रहा हूँ, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ डैस एक्स इक्वल टू जी एक्स और एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, अपर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे तो वन हो जाएगा माइनस जी जीरो और जीरो का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉल इट इक्वेशन वन। ऐसे ही मेरा जो हो जाएगा जी डैस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो और फिर जीरो का डेरिवेटिव, तो ये जीरो हो जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म देखेंगे माइनस एफ ऑफ जीरो और एक्स का डेरिवेटिव वन और ये हो जाएगा मेरा वन का डेरिवेटिव जीरो, वन का डेरिवेटिव जीरो। तो इट मींस जी डेस एक्स इक्वल टू मिल गया है मुझे, सॉरी यहाँ पर एफ एक्स आएगा क्योंकि अपर लिमिट से तो जीरो हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो टी की जगह एक्स आ जाएगा यानी कि एफ एक्स, कॉल इट इक्वेशन टू। अब मुझे जो रिलेशन चाहिए वो कुछ इस टाइप का चाहिए कि एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस जी एक्स होल स्क्वायर, और मुझे जो रिलेशन अभी तक मिला है वो मुझे मिला है एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स और जी डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये मुझे इक्वेशन वन और इक्वेशन टू अभी तक ये मिले। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो
इसको मैं एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको जी एक्स से, और दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएंगे, तो मुझे कुछ मिल सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करा देता हूँ एफ एक्स से, तो एफ एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स, और इक्वेशन टू को जी एक्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ जी एक्स जी डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स जी एक्स। अब मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी, और लेफ्ट में जो आएगा वो आएगा एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस जी एक्स जी डैश एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसको मैं इंटीग्रेट करा देता हूँ। इंटीग्रेट कराने से मुझे क्या फायदा मिलेगा, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स dx इस टाइप का है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस जी एक्स। इंटीग्रेशन कराने का मोटिव आपको समझ में आ गया होगा क्यों कराया, इक्वल टू c, जब कांस्टेंट पे कराएंगे तो c आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो c है, इस c को मुझे इवेल्युएट करना होगा कि आखिर मेरा c क्या होगा। तो आपको गिवन है कि जो एफ डैश एक्स है वो कैसे डिफाइन किया गया है, तो एफ जीरो, जीरो क्या हो जाएगा जीरो टू जीरो, तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, और जी जीरो क्या हो जाएगा जीरो टू जीरो और प्लस वन, यानी कि जी जीरो हो जाएगा वन और एफ जीरो हो जाएगा जीरो। तो मैं इसमें पुट कर देता हूं टेक एक्स इक्वल टू जीरो, या पुट कर देते हैं टेक या पुट, पुट x इक्वल टू जीरो, तो f जीरो का स्क्वायर प्लस g जीरो का स्क्वायर इक्वल टू c, और f जीरो का तो जीरो था और इसका वन था तो वन का स्क्वायर, तो c इक्वल टू मेरा वन आ गया है। यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, यही मुझे प्रूव करना था।